जीएसटी को लेकर अगर कोई शिकायत है तो कारोबारी कहां जाए, इसके लिए जीएसटी काउंसिल ने सभी राज्यों को एक एपेलेट अथॉरिटी बनाने का आदेश दिया है। दरअसल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे फरमान जारी किए जिसे लेकर कारोबारियों के मन में जीएसटी को लेकर असमंजस पैदा हो गया और इसे दूर करने के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं था। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने सभी राज्यों में एपेलेट अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। आलोक देखिए ये अभी जो मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आलोक देखिए ये अभी जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है उसने पिछले कई देखेंगे करीब एक दर्जन से ज्यादा ऐसे फैसले दिए हैं जीएसटी संबंधित, जिसकी वजह से बहुत ही एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई। जैसे मसलन एग्जांपल के तौर पर दें तो केरल की जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग थी उसने रिइंबर्समेंट पर जीएसटी लगाने की वकालत की। उसके बाद दिल्ली की जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है उसने ये कह दिया कि ड्यूटी फ्री शॉप जो होंगे वहाँ पर भी जीएसटी लगेगा। तो ये एक अजीब सी स्थिति हो जाती है, लोगों में भारी कन्फ्यूजन हो जाती है और जो प्रभावित पक्ष है उसके पास फिलहाल अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इस फैसलों के खिलाफ, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के फैसलों के खिलाफ वो कहीं अपील कर सके। तो हालांकि जीएसटी के जो एक्ट बना हुआ है उसके जो 99 सेक्शन है उसमें प्रोविजन है कि एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए हर राज्य में, और उसी को लेकर जीएसटी काउंसिल ने अब सभी राज्यों को ये चिट्ठी लिखकर कहा है कि अपने राज्य में सुनिश्चित करें कि एक अपीलेट अथॉरिटी हो, क्योंकि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के फैसलों की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और उससे लोगों में कंफ्यूजन फैल रहा है जीएसटी को लेकर। तो अगर हर राज्य में अगर अपीलेट अथॉरिटी होगा तो उसकी वजह से जो दिक्कतें होंगी वहीं पे निपटा ली जाएंगी। तो अब कई राज्यों में ऐसी अपीलेट अथॉरिटी हैं, कई राज्यों में नहीं है। तो जिन जीएसटी काउंसिल ने यही कहा है कि जिन जिन राज्यों में नहीं है वहां वो बनाएं उनके फोन नंबर, पते, ईमेल एड्रेस तमाम यहां पर डालें ताकि हम उसको वेबसाइट पे डिस्प्ले कर सकें, ताकि जो भी प्रभावित पक्ष हो जीएसटी से आने वाले दिनों में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की वजह से वो आगे फैसला अपना अपीलेट अथॉरिटी में ले जा सके। तो इसलिए ये काफी अहम माना जा रहा है और आने वाले दिनों में जो ऐसे अपीलेट जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के फैसले जिसकी वजह से काफी एक तरह से कह सकते हैं कि सनसनी भी मचती है और दूसरा जीएसटी को लेकर एक कंफ्यूजन भी फैलता है उस पर रोकथाम लग पाएगी। तो ये आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी सरकार जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि करें और जो 4 मई को बैठक होने वाली है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 4 मई में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा कि सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी बना ली है और अगर किसी को कोई संबंधित पक्ष है, प्रभावित पक्ष है तो वो यहाँ पर जाके अपील कर सकता है। तो ये अपने आप में एक जीएसटी को लेकर जो कंफ्यूजन थी, एक परेशानी थी उसको एक दूर करने की कोशिश की गई है जीएसटी काउंसिल की तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी इस तमाम अपडेट के लिए।